रही है। भारत में घट रही घोड़ों की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र इस पर काम कर रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। एक समय था घोड़ों की सवारी करना गर्व की बात समझी जाती थी। घोड़ा जब सड़क से गुजरता था तो उसके पैरों की आवाज सुनाई देती थी, पर आज ये आवाज कहीं गुम सी हो गई है। सवारी के अलावा घोड़े की युद्ध में अहम भूमिका मानी जाती थी। बीकानेर का राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र घोड़ों की नस्ल के बचाव पर कार्य कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक बीकानेर जिले में 2000 घोड़ा गाड़ियां थी। ये घोड़ा गाड़ी आने जाने का मुख्य साधन हुआ करती थी, लेकिन अब इन सब की जगह ऑटो और गाड़ियों ने ले ली है। बीकानेर में 2000 टांगे घोड़े थे, अब फिलहाल 20-22 टांगे चलते हैं, पैटर्न आते हैं। जब सारी निकल गई या बेच दी, क्या कर दिया? सर, मतलब धंधा उठ गया, लोग नए सिरे से धंधे में आते नहीं है। एक गणना के मुताबिक जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में घोड़े घोड़ियों की कुल संख्या 15 लाख से भी अधिक थी। अब देश में घोड़ों की संख्या मात्र 6 लाख के आसपास रह गई है। घोड़ों की गणना आठवीं बार वर्ष 2007 में हुई थी। बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में कुल 67 मारवाड़ी घोड़े हैं। अनुसंधान केंद्र इस पर रिसर्च कर रहा है। बीकानेर का अश्व अनुसंधान केंद्र और अश्व उत्पत्ति परिसर को वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था, जब से इस केंद्र में घोड़ों पर अनुसंधान जारी है। घोड़ों की संख्या कम होती जा रही है, इसको बचाने में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान हमारी 1985 से कार्यरत है। अभी पिछले करीब 4-5 साल से हमने गहन जो है अध्ययन किया और हमने पूरे राजस्थान भर में डिफरेंट जगह पे हमने जाकर अच्छे अच्छे हमारे स्टैलियन चुने। घोड़ा पालना कोई आसान काम नहीं है। एक घोड़ी पालने में एक माह का खर्च करीब 5-10 हजार रुपए आता है और घोड़ी को रखने के लिए खुली जमीन की जरूरत भी पड़ती है। वहीं बीकानेर के पूर्व विकास न्यास के पूर्व चेयरमैन सोम सिंघवी ने एक घोड़ी पाली हुई है। उनके घर के पास घोड़ी के दौड़ाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, इसके कारण उन्हें अभ्यास के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जो घोड़ी रखते थे वो तो बेचारे सब कमठाने चलने लगे, तो टांगे बगिया तो हट गई, अब टैक्सी होगी, धुआं निकालती, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शहर में फैलाती है चारों तरफ, कौन करके टांगे और कौन करके वो गैस के। घोड़ा गाड़ी आने जाने का मुख्य साधन हुआ करती थी, लेकिन अब इन सब की जगह ऑटो कार ने ले ली है। इसका मुख्य कारण बढ़ती जनाबादी के साथ साथ चारागाह और मैदान का खत्म होना भी है। के सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, बीकानेर।